वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एंड टुडे नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. दिस टॉपिक ऑल्सो कम इन अवर 10th स्टैंडर्ड. ओके, सो टुडे वी डेफिनेटली कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? पहला तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज ये बोलते किसको है बच्चों? पहले तो फिजिकल चेंज क्या है? द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये डेफिनेशन ही आपको सब कुछ बता देती है. एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो चेंज किस में होता है बच्चों? आप खुद सोचे. स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि वो मैटर को स्टेट में स्टेट चेंज होता है उसका, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. नथिंग मोर देन दैट. उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. हम एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं. 110% आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी. तो एग्जांपल देखते हैं. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर एंड वाटर वेपर, ये तीनों को तीनों आप देख सकते हो. ये कि तीनों के तीनों क्या है? उसका स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है. आइस दैट इज सॉलिड स्टेट, वाटर यानी कि बच्चों लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर यानी कि गैसियस स्टेट. बट इन तीनों के फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है. एंड दैट इज H2O. केमिकल फॉर्मूला सेम है बट दैट इज वी गेट इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, चेंज इन स्टेट, बट इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ टेम्पररी, टेम्पररी चेंज. जो फिजिकल चेंज होता है बच्चों वो टेम्पररी रहता है. मेन एक बात बोल, अभी फिजिकल चेंज की बात बताऊं मैं अभी आपको, और एग्जांपल लेते हैं. ध्यान से सुनना आप. पोटेटोस, मैंने पोटेटो लिया और उसको कट कर लिया. तो उसको मैंने कट कर दिया, दैट मीन्स कि उसके एक पोटेटो था तो उसके पांच पार्ट कर दिया. बट उसका फिजिकल शेप एंड साइज चेंज हो गया. उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक चेंज नहीं हुई. मान लो मेरे पास अभी ये एक कागज है. ये कागज को मैं ब्रेक कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से. ओके, सो ये इसकी साइज शेप चेंज हो गई, ये दो हो गई एक में से. बट इसकी जो प्रॉपर्टी है ये भी सेम इसी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिजिकल. सिर्फ फिजिकल, बाहर ही से वो चेंज होता है. ओके, अभी आप जो वैक्स होता है, मीन जो बोलते हैं वैक्स, मान लो वो क्यूब में है. ओके, अगर आप उसको हीट करते हैं, ये हुआ इवेपोरेटिंग डिश हमारा, चाइना डिश. अगर मैंने उसको यहाँ पे हीट किया तो ये मेल्ट हो जाएगा बच्चों, और ये चाइना डिश का साइप से शेप ले लेगा. तो इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज. ओके, सिंपल, फिजिकल चेंज मीन्स चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. सिंपल, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, सिर्फ उसका स्टेट चेंज होता है. मैंने वो बोला था अभी एग्जांपल, सब्लिमाइन स्टेट सब्सटेंस, अमोनियम क्लोराइड. वो पहले किस में था? अमोनियम क्लोराइड. हीट किया तो वो वेपर में कन्वर्ट होकर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. इट मीन्स इट जस्ट चेंज इन इट स्टेट. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जरा सा भी चेंज नहीं होती है. ओके, सिंपल. अभी आपको एग्जांपल समझ में आ गया. नाउ अगर ये कागज़ को मैंने बर्न कर दिया यहाँ से,
इफ आई बर्न दिस पेज सो इट इज आई गॉट सम न्यू सब्सटेंसेस. यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो गया हो रहा है. नो फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, न्यू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. ओके, यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है हमको, सिर्फ टेम्पररी चेंज है और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है. स्टेट चेंज, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट ये सारा चेंज हो सकता है, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती. बच्चों पता चला, दैट इज द मेन थिंग्स इन फिजिकल चेंज. ओके, भाई टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें एग्जांपल भी है, सो ये भी आप देख सकते हो फॉर फिजिकल चेंज. खत्म, मैंने बोला था ना गारंटी आपके दिमाग में डालने की जिम्मेदारी मेरी. नेक्स्ट है, आता है अभी केमिकल चेंज. चलो नाउ वी गो टू द केमिकल चेंज. अगर फिजिकल चेंज आ गया तो केमिकल चेंज आपको कंप्लीट आ जाएगा. तो इसमें क्या होगा, चेंज इन ब्रिंग चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. सिंपल, यानी कि जो जो है ये सिर्फ फिजिकली चेंज होता है ना, इसमें केमिकली बॉन्डिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और इट्स फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. यहाँ पे जो है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते थे फिजिकल में, बट केमिकल में डेफिनेटली अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो वी कैन नॉट कॉल इट अ केमिकल चेंज. गॉट इट, क्लियर है ना. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन Mg, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस कर देते हैं तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, दैट इज न्यू कंपाउंड फॉर्म. न्यू सब्सटेंस फॉर्म. ओके, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, एक कागज को मैं बर्न कर देता हूँ, राख मिलती है हमको, जो दूध मिल्क रहता है बच्चों, मिल्क के अंदर में दो या तीन ड्रॉप्स जो है वो बटर मिल्क के डाल देते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग एक नाइट को रहने देते हैं, देन व्हाट हैपन, वी गेट कर्ड, नहीं बन जाता है बच्चों उसका. ओके, तो दैट इज केमिकल चेंज, यानी कि उसकी पूरे की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. तो ये क्या है बच्चों, ये परमिनेंट चेंज है. जो केमिकल चेंज है वो क्या है बच्चों, परमिनेंट. आप देख सकते हो दैट इज अ परमिनेंट, इट इज अ परमिनेंट चेंज. एंड हियर फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज. इसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. क्लियर कॉन्सेप्ट अभी, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, प्रॉब्लम सॉल्व. ओके, सो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा आपको. ओके, क्लियर. सो नाउ भी हम डिस्कस करते थे ऑलवेज की जो थ्री क्वेश्चन लिखना है तो वो सिर्फ आप ही के लिए है. वो जितना लिखेंगे आप उतना रिवाइज आपका होगा, ये नहीं सोचना कि मेरे को कितना लिखना है, कितना होमवर्क है, ये नहीं है. अभी जब आगे बढ़ना है तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. ओके, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, वो है हार्डवर्क. विदाउट हार्डवर्क हमको कुछ नहीं मिल सकता है. ओके, सो ये हमारा एक क्वेश्चन तो हो ही गया, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके, मैं पीडीएफ पी इसकी मैं भेज दूंगा आपको, तो ये भी आपको लिखना है नोटबुक के अंदर. और जो दो क्वेश्चन जो है आज के, तो वो भी क्वेश्चन में वही देते हैं जो आपको अगले काम आने वाले हैं टेंथ में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है. तो सेकंड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन जो है वो चेंज इन केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस स्केल। तो पहला जो है बच्चों वो 273 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, जो सेल्सियस में उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है 500 डिग्री सेल्सियस को। एंड जो आर दो है क्वेश्चन वो है केल्विन है, ओके 600 केल्विन, तो उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ओके 373 केल्विन उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके ये तीन क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ बना के भेज देना है, ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।